गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं महेश्वरी भोयर, आपकी हिंदी टीचर, आपके सामने नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पहले हम पाठ की जानकारी लेंगे। योग्य चुनाव पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि ऊंचे पद पर बैठने के लिए मनुष्य में सेवा भाव, परोपकार और ईमानदारी के गुणों का होना आवश्यक है। अगर आपको ऊंचे पद पर यानी हाई पोजीशन पर जाना है तो उसके लिए सेवा भाव यानी दूसरों की हमेशा सेवा करने के फीलिंग होनी चाहिए। परोपकार यानी हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। और ईमानदारी यानी ऑनेस्टी मतलब सच बोलने की हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। इन तीन गुणों का होना मनुष्य में बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर दूर करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। हमेशा दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्य ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये लेसन है तीसरा, योग्य चुनाव। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के लिए नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुँचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। ठीक है, मंगलसेन एक राजा था। राजा का एक मंत्री था, उसका नाम था जगतराम। अब वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा मतलब ओल्ड मैन। ठीक है, उन्होंने राजा को स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड, स्वयं यानी खुद, मतलब अब उनसे काम नहीं हो पा रहा था तो वो रिटायर्ड होना चाहते थे। तो उन्होंने राजा को विनती की कि आप मुझे अपने काम से सेवा मुक्त कर दीजिए। तभी मंगलसेन ने कहा कि यदि आपको सेवा मुक्त होना है तो आपको खुद के जैसे ईमानदार, सेवाभावी, परोपकारी मंत्री का चुनाव करना है। चुनाव मतलब चयन यानी इलेक्शन, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। तो जगतराम ने सैनिकों को आदेश दिया। आदेश मतलब आज्ञा। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के लिए एक मंत्री की आवश्यकता है। तो जो इच्छुक युवक है वो गुरुवार को 11 बजे राजदरबार में पहुंच जाए। ढिंडोरा यानी जिसे मराठी में हम दवंडी बोलते हैं। हरकारे मतलब जो दवंडी पिटाते हैं वो, यानी दूत, डाकिये। ठीक है, चयन वाले दिन राजदरबार की ओर से जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राजदरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाने वाले रास्ते से गुजरे थे, यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की थी। अभी चयन वाला दिन आ गया था और वो रास्ते से सुबह से सैकड़ों युवक
जो मंत्री पद के लिए इच्छुक थे वो जा रहे थे। उसी सैकड़ों मतलब बहुत सारे, कहीं ज्यादा, सौ से ज्यादा। मार्ग यानी रास्ता। वृद्ध, वृद्ध यानी जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन। वो हताश यानी परेशान। तो उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी परेशान होकर बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक जो पहिया होता है वो कीचड़ में फंस चुका था। कीचड़ यानी गीली मिट्टी। बहुत सारी रास्ते में जो मिट्टी होती है वो बहुत सारी गीली होती है, उसे कीचड़ कहते हैं। वो पहिया निकालने की उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। वो अकेला आदमी था, वो क्या कर सकता था बेचारा। लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी, बल्कि वो रास्ते से हजारों युवक गए थे, सैकड़ों युवक गए थे, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। तो यह दृश्य बहुत सारे जनों ने देखा, लेकिन उसकी हेल्प की थी क्या किसी ने? नहीं। सहायता यानी मदद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जब दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, वो पैराग्राफ आपको रीड करना है, और जो कठिन शब्द आए हैं वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, और आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय बच्चों।